वेलकम टू तिवारी क्लास। चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे कि जो आपके अटल बिहारी की तो बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। आप लोग बोलोगे यस, लेकिन मेरे पास कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए कि आपकी पोस्ट बेसिक की एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगी, उसका प्रिपरेशन कैसे करें, एमएससी नर्सिंग की एप्लीकेशन फॉर्म आपकी कब आएगी, उसका प्रिपरेशन कैसे करें। चलिए हम आपको सारी जानकारी आपको एक ही आपको वीडियो में देंगे, तो लास्ट तक बन रहेगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अटल बिहारी। तो चलिए बच्चों, आपको यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि पिछला बार इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब आई थी। तो आप लोग देख सकते हो कि जो इनकी एप्लीकेशन फॉर्म पिछला बार जो आई थी आपकी 23 सितंबर से आई थी। ऑनलाइन पी पेमेंट आपकी 27 तक था और आपका जो एग्ज़ाम था यहाँ पे आप देख सकते हो 31 अक्टूबर को यहाँ पर इन्होंने लिखा है, एग्ज़ाम लिखा है नवंबर में, ऑनलाइन यहाँ पे लिखा है ना, आप लोग देख सकते हो। यानी पिछला बार जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपकी वो 23 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। लेकिन आपको भी पता है कि जो आपकी फॉर्म पिछला बार बीएससी नर्सिंग की आपकी लेट से शुरुआत हुई थी, वो इस बार आपकी आपको भी पता है कि बहुत जल्दी आ गई। तो इस प्रकार आप लोग का भी फॉर्म होगा जो पोस्ट बेसिक का होगा, आपको बता दें कि पोस्ट बेसिक का बता दें, हम आपको पोस्ट बेसिक का बता दें या हम आपको एमएससी नर्सिंग का बता दें, यह हम आपको देखिए यहाँ पे इसका बता दें, इसका भी आपका सितंबर में आया था ना, आप लोग देख सकते हो ना, सितंबर में आनी है आपकी पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या आपकी एमएससी नर्सिंग का प्रीवियस बैचेस 2021 में आपकी आई हुई थी। लेकिन इस बार जो आपकी होगी यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 अक्टूबर यहाँ पे, लेकिन एग्जामिनेशन जो आपका लिख रहा है, लेकिन आपको बता दें बाबू कि पोस्ट बेसिक का एग्जाम और आपका एमएससी नर्सिंग का एग्जाम आपको साथ ही साथ आपका मोर देन आपको लेता है। और यहाँ पे बाबू हम आपको बता दें, और जो जो रिजल्ट जारी करता है ना, वो जो रिजल्ट जारी करता है वो आपका एक ही दिन आपको साथ ही रिजल्ट जारी करता है। तो इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े रहे, ये जो आपकी फॉर्म आपकी सितंबर में ना आकर आपकी जो फॉर्म है, ये जो बाबू आपको बता दिए, ये जो जुलाई चल रही है, ये जो जो आपकी जुलाई चल रही है, इसी मंथ के आपके लास्ट तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपके आने की 100% पॉसिबिलिटी। क्योंकि आपको भी आप ही लोग खुद सोचो कि जब आपका बीएससी नर्सिंग का इंक्लूड हो चुका है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको एटलीस्ट जुलाई लास्ट तक आपको हर हाल में देंगे। अगर लेट भी करते हैं तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये क्या करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे फर्स्ट वीक में, प्रथम सप्ताह में। लेकिन इतना हम कन्फर्म आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपकी जुलाई में ही आपकी लास्ट तक आपकी हर हाल में, क्योंकि आपको पता है अभी जुलाई अभी पूरा बाकी है, जुलाई अभी पूरा बाकी है, इसलिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपकी हर हाल में जुलाई लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी। ओके बच्चों, और बच्चा अगस्त लास्ट तक अगर जुलाई तक इनकी फॉर्म आती है जुलाई लास्ट तक, तो इनकी फॉर्म अगस्त में लास्ट में आपकी ये फॉर्म इनकी जो आपकी एग्जाम हो जाएगी, या आपका हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में ले, लेकिन आपका पढ़ने के लिए आपके पास मात्र आपके पास दो मंथ काफ़ी है, तीन मंथ भी हम बोल नहीं सकते हैं, दो मंथ भी आपके पास काफ़ी है, इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं देगा। अब चलिए इसकी कंप्लीट सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फी स्ट्रक्चर इसकी दिखा दे तो आपको बता दें यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन फी आती है, अगर आप ईवर में हो तो आपको 2200 और SC ST हैं तो आप लोग देख सकते हो कितने एप्लीकेशन आपको फी पेमेंट करना पड़ता है। तो आप लोग बोलोगे सर 2800। ओके बच्चों, चलिए कंप्लीट सिलेबस की अगर यहाँ पे बता दे आपको, पोस्ट बेसिक की बता दें, यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, देख सकते हो आपका सेशन आपको तीन सेक्शन में बंटा रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ पर सेक्शन ए में आपको देख सकते हो फंडामेंटल नर्सिंग पूछता है, फर्स्ट एड हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्स, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया, गायनिकोलॉजी हो गया। सेशन बी में आपको पूछा जाता है बायो साइंस, एनाटॉमी, ये सब माइक्रोबायोलॉजी पूछता है, बिहेवियर साइंस पूछता है, आपको पता है बिहेवियर साइंस में दो पार्ट आते हैं, जीएनएम का आपका पूरा सिलेबस रहता है, सी में कंप्यूटर एजुकेशन आता है, इंग्लिश आता है, नर्सिंग एजुकेशन आता है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च स्टैटिक्स आता है, प्रोफेशनल ट्रेंड इतना आता है, नर्सिंग डिस्ट्रिक्शन एंड वर्ड मैनेजमेंट आता है। ओके बच्चों, यहाँ पे बता रहा है ना कि जो आपकी जितने भी कंप्लीट सिलेबस हो गए आपका GNM का JNM के पैटर्न पे आपकी क्या होती है, एग्जाम होती है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि पोस्ट बेसिक का भी काफ़ी कम सीट रहती है, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग अपना मन लगाकर अभी ऐसे ही पढ़ाई शुरू कर दें। चलिए, अगर आपको यहाँ पे हम आपको एमएससी नर्सिंग की अगर हम यहाँ आपको एमएससी नर्सिंग का आपको पीडीएफ दिखा दे तो यहाँ पे भी आपको कह रहा है कि 200 मार्क्स का एक आपका एग्जाम होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि तीन इसमें भी पार्ट होते हैं 1BC, और आपको यहाँ पे देख सकते हो आपका ये जो आपका टोटल 90 मार्क्स का होता है, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये आपका गायनिकोलॉजी, इससे आपको 90 नंबर के पूछे जाते हैं, 70 नंबर का आपका पूछा जाता है एमएससी नर्सिंग कंप्लीट सिलेबस, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आपका फार्मोलॉजी या आपका पैथोलॉजी या जेनेटिक्स, या आपके और सेक्शन सी में आपको कंप्यूटर पूछे जाते हैं, इंग्लिश पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन एंड और रिसर्च एंड स्टैटिक्स, ये सब पूछे जाते हैं। इस प्रकार आप लोग एमएससी नर्सिंग आप लोग कंप्लीट सिलेबस आपको दिखा सकते हैं, देख लिया आप लोग। और यहाँ पे आपको एक मार्क निगेटिव अनोन निगेटिव मार्किंग रहती है, आप कोई भी एग्जाम दो और आपका जो पैटर्न होता है एमएससी नर्सिंग का और आपका बीएससी नर्सिंग लेवल का जो आपके एग्जाम की उसमें आपकी प्रिपरेशन इसमें कराई जाती है। ओके बच्चों, सारा कंप्लीट सिलेबस बता दिए। यहाँ पे अगर टोटल आपको बता दें कि पोस्ट बेसिक में टोटल आपकी कॉलेज कितनी है यूपी में, तो आपको बता दें यहाँ पे आपकी 35 कॉलेज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
लेकिन बाबू आपको बता दें, जो आपका सपना होना चाहिए वो आपका सपना हो चाहिए होना चाहिए, अगर आप लोग पोस्ट बेसिक पढ़ रहे हो तो आपका ऐसा सपना रखिए कि जो आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSBM आपको मिले। तो GSBM में भी मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हम अब जल्द ही कोशिश करेंगे कि उनको हम आप यूट्यूब पर लाए ताकि आप लोग इंस्पायर हो। और यहाँ पर बाबू हम आपका जल्द ही आपका आपका GSBM के अपने बच्चे को लाने वाले हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए चैनल पर जरूर जुड़े रहें, जिन्होंने पोस्ट बेसिक क्वालिफाई करके आज वहाँ पर प्रिपरेशन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये सब आपको टोटल आपको देख सकते हो ना 35 कॉलेज है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको टोटल बता दी MS नर्सिंग की, तो MS नर्सिंग का टोटल आपकी 20 कॉलेज है। तो जिस कॉलेज का लिस्ट है आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ही आपको हम आपको PDF भी आपको क्या करेंगे आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन कॉलेज है, हमने प्रीवियस बैचेस का प्रिपरेशन कराया था, हम चाहते हैं इस बैच के बच्चे भी हम पे ट्रस्ट करें, प्रिपरेशन करें, और काउंसलिंग कैसे होगा, कट ऑफ क्या नहीं होती है, सारी जानकारी हम आपको एक ही वीडियो आपको प्रोवाइड हमेशा कराते जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको बताया ना कि जुलाई लास्ट तक आपकी इसका अप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी, और आपको बताया ना कि या तो अगस्त लास्ट या इसके सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वीक तक इसके प्रथम सप्ताह तक इसकी क्या होगी बाबू आपकी एग्जाम इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल से जरूर जुड़े रहो। और बाबू आपको बता दें, अगर आप MS नर्सिंग या अगर आप पोस्ट बेसिक का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अपने प्ले स्टोर पर आए, प्ले स्टोर पर आने के बाद तिवारी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करी, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करी, यहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको पोस्ट बेसिक होगा या आपको MS नर्सिंग होगा, आपको सारी आपको प्रिपरेशन करा दी जाएगी और आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। और आपको बहुत सारे आपको पता है ना कि एप्लीकेशन में बहुत सारे फंक्शन मौजूद रहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तिवारी क्लासेस और अटल बिहारी वाजपेयी में आपको एक्सपर्ट टीचर हैं, हम आपको बेहतरीन गाइडलाइन करेंगे, अच्छा टॉपिक वाइज आपको सब चीज़ कवर करेंगे। और जल्द ही हम चाहेंगे कि आप सारे बच्चे मेरे GSBM की तरफ सेलेक्ट हो, और जल्द ही हम जल्द ही GSBM के बच्चे को ला रहे हैं यूट्यूब पे, ताकि पोस्ट बेसिक में उन्होंने क्वालिफाई किया है तो उस बच्चे से सीखो, ताकि उनसे आप लोग और इंस्पायर हो, अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाओ, और आप लोग अपना तिवारी क्लास सर पर और भी अपना विश्वास आप लोग जमाए रखो। ओके बाय बच्चों, सी यू।